गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसको अपन को पता करना है इसके कौन से सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ, इस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो इसको अपन को किस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जिसका मैं आप लोगों के लिए फॉर्मूला बताऊंगा और देन उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2x + 1y, ठीक है, देन 3x + 2y - 8 = 0, ठीक है। देन इसको अपन जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर। तो क्या होता है वो, a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है, a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। इसका अपन कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a1 की वैल्यू क्या होगी अगर कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन से, 2, ठीक है। द वैल्यू ऑफ b1 इज 1, ठीक है, द वैल्यू ऑफ c1 इज -5, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ a2 इज 3, द वैल्यू ऑफ b2 इज 2, द वैल्यू ऑफ c2 इज -8, ठीक है। अब अपन पता करेंगे ये कौन सा सॉल्यूशन है, तो इसको अपन रेशियो फाइंड करने पड़ते हैं इसके। तो क्या करेंगे, a1 / a2 = 2/3, कैंसिल नहीं हो रहा, इसको एज इट इज लिखेंगे, b1 / b2 = 1/2। तो देखें, अगर a1 / a2 b1 / b2 के इक्वल नहीं आता है, मतलब इनका रेशियो अगर इक्वल नहीं होता है, तो अपन c1 / c2 फाइंड नहीं करते हैं, यहीं पर लिख देंगे a1 / a2 = b1 / b2। तो ये सिस्टम है, मतलब इसको अपन एक सिस्टम भी कह सकते हैं। तो आ सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इस सिस्टम के पास कौन सा सॉल्यूशन आया, यूनिक। आ सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके पास यूनिक सॉल्यूशन आ गया है, तो क्वेश्चन में कहा था कि अगर इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इसे किस मेथड से सॉल्व करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब अपन करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। किस मेथड से सॉल्व करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जो मैं लिखा दूंगा, उसमें आप वैल्यू पुट अप कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा। चलें, इसको मैं रफ करता हूँ, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूंगा। सबसे पहले मैं x का फॉर्मूला लिखूंगा, याद करने का तरीका है x = bc bc ab ab, ठीक है, 1 2 2 1 1 2 2 1, बीच में माइनस का साइन, और यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट यूज कर लिया करें, ठीक है। अब अपन इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, तो द वैल्यू ऑफ b1 यहाँ से पुट अप करेंगे, द वैल्यू ऑफ b1 इज 1, द वैल्यू ऑफ c2 इज -8, द वैल्यू ऑफ b2 इज 2, द वैल्यू ऑफ c1 इज -5 अपॉन, ठीक है, द वैल्यू ऑफ a1 इज 2, द वैल्यू ऑफ b2 इज 2, द वैल्यू ऑफ a2 इज 3, द वैल्यू ऑफ b1 इज 1, ठीक है। फिर अपन सॉल्व करेंगे, 8 1 जा 8, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, और 3 1 जा 3, ठीक है। देन ब्रैकेट ओपन करेंगे, -8 + 10, 4 - 3, ठीक है। अब मैं इसको रफ करूंगा ऊपर, तो ध्यान दें, x = 2 4 - 3 1, तो द वैल्यू ऑफ x इज 2, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपनी, 2। अब अपन किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाय का फॉर्मूला होता है, यहाँ कहाँ खत्म हुआ था, c पर, तो c a b a b, ठीक है, 1 2 2 1 1 2 2 1, बीच में क्या का साइन, माइनस का, ठीक है। अब इसकी अपन को वैल्यू पुट अप करनी है जो कि अपन को यहाँ पर गिवन है, ठीक है, इसीलिए मैं इसको रफ नहीं करूँगा, मैं बाजू में रफ करूँगा, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन आगे यहीं पर करूँगा। तो यहाँ ध्यान दें,
यहाँ से करूँगा मैं, तो y इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ c1 वन इज माइनस एट, द वैल्यू ऑफ a2 टू इज थ्री माइनस c2, द वैल्यू ऑफ c2 टू इज, द वैल्यू ऑफ c1 वन इज गलत पुट कर दी माइनस फाइव, ठीक है, द वैल्यू ऑफ c2 टू इज नेगेटिव एट, द वैल्यू ऑफ a1 इज टू, ठीक है, अपॉन द वैल्यू ऑफ a1 इज टू, द वैल्यू ऑफ b2 इज टू, ठीक है, देन a2 की वैल्यू कितनी है थ्री और द वैल्यू ऑफ b1 इज वन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू फाइव थ्री या फिफ्टीन, एट टू जा सिक्सटीन, ठीक है, टू टू जा फोर और थ्री वन जा थ्री, तो y इज इक्वल टू नेगेटिव फिफ्टीन प्लस सिक्सटीन अपॉन वन, सिक्सटीन में से फिफ्टीन को सेपरेट करेंगे कितना आएगा वन, वन अपॉन वन मतलब वन, तो द वैल्यू ऑफ y1 y इज इक्वल टू वन, द वैल्यू ऑफ x2 इज टू। तो ये अपना आंसर आ चुका है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, बहुत ही आसान मेथड है ये, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन किया था, इसको रफ नहीं किया था क्योंकि वैल्यू पुट अप करनी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है, कल से अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, ठीक है, थैंक यू।